नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पैनल के निकालने और लगाने के बारे में हम बताएंगे। जैसा कि मेरे पास जो है अभी लगातार जो है दो तीन पैनल ऐसे आए हैं जो ब्रेक हो गए हैं, तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले पैनल का जो कॉर्नर साइड है किनारे वाला। तो जैसे हमारा अगर 22 इंच या 24 इंच का पैनल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 32 इंच का है तो उसे हम इस कंडीशन में कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप उठाते हैं तो बीच से जो है ब्रेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस समय पैनल बहुत काफ़ी हल्के आ रहे हैं। और इसको उठाने के लिए इस कप का इस्तेमाल करें जो सेक्शन कप है। ये सेक्शन कप जो है हमारा, ये वैक्यूम होता है एक, इसमें जो आप नीचे की तरफ इसे प्रेस करके और इस हैंडल को ऐसे लगा देते हैं, और उसके बाद जो है इसे ऐसे पकड़ कर उठाएँगे तो एक बैलेंस में उठेगा ये। और इस तरीके से आप इसे जो है आराम से रखें। और हमको इसलिए यहाँ पे आज आवश्यकता पड़ रहा है क्योंकि हम देखें तो बहुत कष्ट हुआ है इसके लिए, क्योंकि जो पैनल टूटे मिले हैं उसमें बैकलाइट फॉल्ट थी, और जिसने भी वापस किया वो बैकलाइट न ठीक करके और वैसे पैक करके, लेकिन हमने जब देखा तो हमको टूटा हुआ मिला। और हमारे पास तीन चार टीवी ऐसे आए, तो इसलिए हम जो है उस पर आपको अलर्ट करने के लिए, जो जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं और जो नहीं जानते तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि अगर हमारा 24 इंच से अधिक का पैनल है कोई भी, तो आप उस जगह पे इस सक्शन कप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई बहुत महंगा है नहीं और ये जो है हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक भी है। तो हम यही कहेंगे कि आप अपना अलर्ट के लिए जो उठाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करें, और यहाँ पर बैठाते समय इस जगह पे ध्यान दें जो कॉर्नर साइड है, ज़रा सा भी टेपर अगर यहाँ पे रहेगा तो हमारा पैनल जब आप ऊपर से उसका रिंग फिट करेंगे तो बेजल जब दबाते हैं बेजल को तो वहाँ पे जो है ये क्रैक होने का चांस अधिक रहता है। अगर एक जगह ज़रा सा भी टेपर से क्रैक हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा सा टेपर अगर बैठा कहीं, और उसके बाद आप जब इस पे बेजल रिंग आप दबाते हैं आगे से, तो वहाँ पे जो है पैनल क्रैक होने का चांस ज़्यादा रहता है, जैसा कि उसके बारे में भी हमको मिला है, जो बहुत ही ज़रूरी है इस पैनल को ठीक से लगाना और निकालना, और लगाते समय चारों कॉर्नर को ठीक से देखना, क्योंकि पैनल को बनाने से भी ज़्यादा सावधानी हम उसको रखने और निकालने के लिए करते हैं। और कभी भी मान लीजिए जैसे आप पैनल को निकाले और रख दिए, तो वहाँ पे जहाँ पर आप रखें तो वहाँ पे एक बार का ध्यान रखें कि जिससे हमारा नीचे कहीं स्क्रू या स्क्रू ड्राइवर या कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि पैनल पे स्क्रैच आए, क्योंकि वो स्क्रैच आने के बाद जो है स्क्रैच ख़त्म नहीं होता और बाद में एक धब्बा या उस पे स्क्रैच बन जाता है जो काफ़ी समझ लीजिए एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हम देखें जैसा कि ये सामने देखें, ये हमारी एराइज की टीवी है जो कि ओके हो गई है, और यहाँ पे जो हम बता रहे थे बेजल का, यहाँ पे आप जब इसे कसते हैं तो इस पोजीशन को एक बार दो बार क्लियर कर लिया करें, उसके बाद वहाँ पे टाइट करें, जिससे क्रैक होने का चांस नहीं रहता।
और दूसरी बात, इस जगह पे जहाँ ऐसे चारों तरफ है, एक बार आप हाथ से घुमाएंगे तो वहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। और स्क्रैच के लिए जो हम कभी पैनल को वैसे रख के खींचे ना, क्योंकि खींचने से भी जो है स्क्रैच आ जाता है। और कोई भी वैसा, ये जैसे मान लीजिए इधर से आप खींच रहे हैं तो यहाँ खींचने से आपका जो रगड़ आएगा नीचे वो स्क्रैच हो जाएगा, वो कभी जाएगा नहीं और उस पे स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देगा कभी कभी। तो इसका भी जो है ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।